टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन। जम्मू कश्मीर हफ्तावार न्यूज बुलेटिन के साथ हलीमा सादिया आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये न्यूज बुलेटिन जम्मू कश्मीर के तरक्याती सकाफती सयाती मंसूबों के साथ साथ वहां की रोजमर्रा जिंदगी के अवामी वाकयात का अहाता करता है। नेशनल यूनिटी डे के मौके पर जम्मू कश्मीर पुलिस कॉम्प्लेक्स में पुलिस परेड का अहतमाम हुआ। डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह ने मुल्क की अंदरूनी सिक्योरिटी के हवाले से अपने अजम को दोहराया और कहा कि जम्मू कश्मीर समेत पूरे भारत में नेशनल यूनिटी डे को मनाया गया है। आज का दिन जिसको हम नेशनल यूनिटी डे के तौर पे मना रहे हैं, 2014 से ये एक पूरे मुल्क में एक पर्व की तरह मनाया जा रहा है। आज का दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन भी है और उनका महान योगदान रहा जो देश की एकता और अखंडता को कायम करने में, देश की आज़ादी में, और इसी दिन को नेशनल यूनिटी डे के तौर पर मनाते हुए मुल्क की सारे अलग अलग खित्तों में यूनिटी परेड्स ऑर्गेनाइज होती हैं। हम लोगों ने भी यूनिटी परेड का सेंट्रल लेवल पे यहाँ पर आज एहतमाम किया था, आपने परेड को देखा, और आज के दिन सब ने प्लेज भी लिया मिलके कि हम लोग अपने देश की अखंडता को, एकता को बनाए रखने की शपथ ले रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान के नापाक इरादे और नापाक हरकतें किसी से छुपी नहीं हैं। पिछले कुछ सालों से ये जो नया खेल उन्होंने ड्रोन के जरिए से वेपन, नारकोटिक्स, आईडीज भेजने का रचाया है, इसको बार बार नाकाम किया जा रहा है, मगर इसके बावजूद भी काफ़ी सारा असला, अम्युनिशन, हथियार और उसके अलावा नारकोटिक्स की तस्करी जो ड्रोन के जरिए पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, खासतौर पे लश्कर के तौर पर जो ऑर्गेनाइजेशन है लश्कर की तरफ से इसकी तस्करी हो रही है और पाकिस्तान की एजेंसियों की पूरी मिलीभुगत के साथ हो रही है। श्रीनगर में वमेद ग्रुप ने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का इनाकाद किया जिसमें शायकीन की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस फेस्टिवल में नौजवानों की शमूलियत नुमायां थी। इसकी एक खुसूसी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। Thank you.
सबसे बड़ी बात है कि आज हमने इस फिल्म फेस्टिवल में, पहला एडिशन है हमारे कश्मीर में, हमारे पास अराउंड 10 कंट्रीज से मूवीज आई थी और सिर्फ एक महीने में हमने ये नोटिस निकाला और हमारे पास मूवीज आई और इसमें नेटिव कैटेगरी की मूवीज हैं, शॉर्ट फिल्म है जो डे टू में दिखाई जाएंगी। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो यहाँ का टैलेंट है, हम बार बार बोलते आ रहे हैं कि यहाँ का जो टैलेंट है वो बहुत ज़्यादा टैलेंट है यहाँ के यूथ में, बच्चों में, तो उनकी फिल्में शोकेस यहाँ दिखाई जाएंगी। अभी का बोलता हूँ क्योंकि बड़े फेस्टिवल्स में मैं गया हूँ, बर्लिन गया, दुबई गया हूँ, मेरी फिल्में वहाँ गई हैं। तो फेस्टिवल का एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होता है ना, कि एक तो है कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया उसके लिए आपको ऑडियंस मिलती है, एक क्रिटिक आपको मिलता है, वो आपको फीडबैक देते हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ आप नेटवर्किंग कर सकते हो। बर्थडे फेस्टिवल्स में क्या होता है कि आप आप खुद ही प्रोड्यूस कर ली, फिल्म बना ली, अब नेक्स्ट फिल्म के लिए तो पैसे नहीं दोगे ना, लेकिन फेस्टिवल में जाके आपको प्रोड्यूसर्स मिलते हैं, नेटवर्किंग होती है। तो आई थिंक फेस्टिवल होना और कश्मीर में होना, दैट्स अ रियली गुड थिंग। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में इंडियन आर्मी ने एनएसई फाउंडेशन के इश्तराक से ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट की तामीर का काम शुरू कर रखा है। इस प्लांट से इलाके में तिब्बी सहूलियात की फराहमी के जिम्न में अहम पेशरफ्त हुई है। इलाके के लोगों ने इस काम को सराहा है। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप इस बार जो हमारे यहाँ पे ये ऑक्सीजन प्लांट जो यहाँ पे लगा है, ये इस दूर दराज और इस फार फ्लंग इलाकाई मच्छल के लिए एक खुशहाल कदम है, जिससे यहाँ के लोगों को काफ़ी सारे मसाइल और मुश्किलों का सामना रहता था, लेकिन अब जैसे इसका काम शुरू हो गया है, या हम यही चाहते हैं कि इसका काम जल्द जल्द शुरू हो ताकि ये इसको चालू किया जाए ताकि यहाँ के लोगों को फ़ायदा मिले। इस यहाँ पे बहुत सारे ऑक्सीजन की प्रॉब्लम्स थी पिछले 2 सालों से, यहाँ के कोविड की ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, ऑक्सीजन नहीं मिलती थी। इससे हमें बहुत ही फ़ायदा है।
हम दूर दराज इलाके में मच्छल में रहते हैं। यहाँ पर अक्सर बेशतर जो है बुज़ुर्ग लोग हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती थी, तो जिनको यहाँ से हमें 60 किलोमीटर कुपवाड़ा लेना पड़ता था, कभी कभार वहाँ भी नहीं मिलता था, फिर श्रीनगर लेना पड़ता था। ये ऑक्सीजन प्लांट जब से यहाँ मच्छल में काम चल रहा है तब से हम राहत अपनी जगह जो है बहुत खुश उसलूबी बात समझते हैं कि यहाँ पर ये ऐसा काम होना तो हमारे लिए फख्र की बात है। ऑक्सीजन प्लांट का मिस्त्री हूँ मैं, 2 महीने से कर रहा हूँ। अभी यही कुछ 10 से 15 दिन तक फाइनल हो जाएगा, लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। तो हो गया कंप्लीट, थोड़ा सा बचा है, ये 5-10 दिन इसमें लगेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता हफ्ते मुल्क में रोजगार मेले का इजरा किया, जिसके तहत 10 लाख नौकरियां देने का हदफ मुकर्रर किया गया है। इस जिम्मे में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 3,000 नौजवानों को नौकरियां दी। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 3 वर्षों में 30,000 नई नौकरियां जम्मू कश्मीर में दी गई हैं। पिछले 3 वर्षों में लगभग 30,000 सरकारी नौकरियां जम्मू कश्मीर के नौजवानों को दी जा चुकी हैं और एक पारदर्शी व्यवस्था के तहत दी गई। एक दो शंकाएं व्यक्त की गई, शिकायतें आई, तो उन परीक्षाओं को निरस्त किया गया और सीबीआई जांच के आदेश दिए गए, कई लोग पकड़े गए। ये मैं आपको भरोसा देता हूं कि उसमें कोई भी गुनाहगार बचेगा नहीं। आज यहाँ पे रोजगार मेला हो रहा था, हमारी जो रिक्रूटमेंट हो गई थी उसका अपॉइंटमेंट लेटर लेना था हमें, तो वो मिला और आई एम सो हैप्पी ये मिला हमें। अब अच्छा, तो किस डिपार्टमेंट में आपके पास? मेरा हो गया है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। बारामूला के मकाम पर सियाहत को फरोग देने की गर्ज से इंडियन आर्मी ने गुलमर्ग फेस्टिवल का एहतमाम किया, जिसमें रंगारंग सरगर्मियां मुनक्किद की गईं। मिनी मैराथन, हॉर्स रेस, हाइकिंग, ऑनलाइन पेंटिंग एंड फोटोग्राफी मुकाबला, मकामी खानों का आर्ट, हैंडीक्राफ्ट्स के स्टॉल्स और फनकारों की परफॉर्मेंस को सियाहों और मकामी आबादी ने खूब सराहा। अच्छा, क्या नाम है?
मैं वैसे उससे पहले बता दूं कि मैं महसूस करता हूं कि भारतीय सेना एक हमारे देश की वो ऑर्गेनाइजेशन है जो अगर नहीं होता तो मैं मानता हूं कश्मीर का चेहरा दूसरा होता। और दूसरे जो यहां के सबसे बड़े जो कश्मीरी नागरिक हैं वो भी जिस प्रकार से हमारे सेना के साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर पूरे इस बुरे दौर में साथ दिया है, वो नागरिक भी अभिनंदन है। और तीसरी बात है, जो इस पहाड़ी इलाकों में गुजर बकरवाल जो रहते हैं, जिनसे आप भली भांति परिचित हैं, जिनको वो इनके कंधे से कंधा मिला के सेना के साथ रहते हैं। ये कार्यक्रम की एक अहम भूमिका इसलिए बनती है कि सेना तो अपना कार्य करती है पर नागरिक और सेना दोनों मिलकर के जब एक साथ आकर के देश में संदेश देते हैं, और ऐसे कार्यक्रम का सबसे अच्छा देश में संदेश जाना सेना के प्रति देश की लगन और नागरिकों का उनके प्रति प्रेम दर्शाता है। पर उससे बड़ी बात यह कि इस इलाके को टूरिज्म डेवलपमेंट करने के लिए इस तरह के फेस्टिवल जो किए जा रहे हैं ये बधाई के पात्र हैं, सेना, देश, तंत्र और यहाँ के नागरिक। इससे हमारे जो लोकल का बिजनेस है टूरिज्म में वो बढ़ सकता है और जो हमारी गुलमर्ग की ये खूबसूरती है इसको ज़्यादा और खूबसूरत बनाने का एक अच्छा तरीका है। तो मुझे लगता है आर्मी की तरफ से ये सबसे अच्छी पहल रही है। लेकिन आज ऐसे प्लेटफॉर्म्स देखकर मेरा दिल कह रहा है कि आने वाले वक्त पे हमारे बच्चे, हमारे नौजवान ओलंपिक्स में देखेंगे, हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करेंगे और बिल्कुल हमारे मुल्क को विश्व गुरु बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि हमारे जवानों में, हमारे नौजवानों के आंखों में मैंने देखा वो ख्वाब ताबीर होता देखा मैंने। आज के ऐसे इस प्रोग्राम में आकर मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करूंगा हमारे ऑनरेबल एलजी साहब से कि ऐसे ही इनिशिएटिव्स, ऐसे ही प्रोग्राम्स हमारे कश्मीर के तूल अर्ज में कंडक्ट किए जाए। जम्मू कश्मीर न्यूज बुलेटिन हलीमा सादिया के साथ ANI की कर्टसी के साथ देखने का बहुत शुक्रिया। टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन।